गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पति को कुत्ता बनाकर घुमा रही थी पत्नी, देना पड़ा 2 लाख रुपया जुर्माना। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। हैरान कर देगा आप लोगों को ये मामला कि पति को कुत्ता बना के, वैसे तो महिलाएं कभी कभार बोल देती हैं हंसी मजाक में, गुस्से में, पर उस दौरान ही वहां पर पति को कुत्ता बना के सच में घुमा लिया जाए, ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। तो चलिए पूरी अपडेट के ऊपर नजर डालते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने कैनेडा से आ रहा है। कैनेडा में कोरोना वायरस के चलते हुए शाम को सुबह के 5 बजे से लेके रात के 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, और उस बीच में आप लोग अपने कुत्ते को घुमा सकते हैं। इस दौरान ये 24 साल की महिला अपने 40 साल के पति को एक्चुअली में पट्टा बांध के गले में वो घुमाती हुई नजर आई, जिसके कारण पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उनसे जब पूछा कि आप इस वक्त कर्फ्यू के टाइम पे बाहर क्यों घूम रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम क्यों बाहर घूम रहे हैं, मैं तो अपने कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए आई हूँ। जिसके कारण पुलिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि हमें क्या दिखाई नहीं देता कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उस दौरान ही पुलिस ने उस महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और पति पत्नी को $1,500 यानी कि अगर इंडियन रुपीज के हिसाब से हम कन्वर्ट करें तो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहां पर ना तो पति पत्नी ने कुछ माफी मांगी, ना तो ये बात बोली कि वो दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने एक्चुअली में पुलिस वालों से बहस की और उसी के साथ अपना जो जुर्माना था वो भी वहां पर दे दिया। इस दौरान ही वहां की पुलिस का कहना ये है कि जब से कर्फ्यू लगा है उन्होंने अब तक 750 चालान काटे हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी हमारी तरफ से काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।